हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा। तो फ्रेंड ये लीजिए, आज हम हाजिर है चैलेंज में फ्रेंड, जो कि है मानचाओ सूपी नूडल सीटिंग चैलेंज। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारे पास ये ढेर सारे मानचाओ सूपी नूडल्स हैं। और फ्रेंड्स ये हमारा पूरा बाउल भर के है। बाउल कितना बड़ा आप देख सकते हो, 3 लीटर का बाउल है ये, बड़ा वाला पूरा भर रहा है। ऊपर तक बस थोड़ा सा ये खाली है। और फ्रेंड्स इसमें ढेर सारा सूप है, सूप आप देख सकते हो, ढेर सारा सूप है इसमें। और फ्रेंड्स ढेर सारे नूडल्स हैं और ये गर्मा गर्म है और मुझे हो रहा है जुकाम। सही में तो मात्र ये गर्मा गर्म सूप पी के मेरा जुकाम एकदम बहुत दूर भाग जाने वाला है। और सूप इतना टेस्टी है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी। सूप तो वैसे ही गर्म होता है बहुत, बस गर्मा गर्म पीते जाओ और बस शरीर को गर्म करते जाओ। और फ्रेंड सर्दियों आप जानते हो सबसे ज़्यादा बेस्ट सूप ही रहता है। टमाटो सूप पियो, वेजिटेबल सूप पियो, मतलब ढेर सारे बहुत तरीके के सूप होते हैं। हम तो वेज सूप पीते हैं, वैसे काफ़ी नॉन वेज भी होता है और मज़े आने वाले हैं। तो फ्रेंड जो हारेगा उसे सज़ा मिलने वाली है, जो हारेगा उसे अच्छी से अच्छी सज़ा मिलने वाली है, ये कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखते हैं कौन अपने नूडल्स, कौन दम दिखाता है और अपने सारे नूडल्स को ख़त्म कर पाता है। बिनाई कर पाओगे? बिनाई की गर्दन तो ऐसे लिए, तो बिनाई के सिर से बहुत चहकता हुआ है, दहकता हुआ है, अभी तक गर्म लगा है तो इसमें लेट हो काफ़ी मुझे लग रहा है। और फ्रेंड्स मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं, एक तो मेन चीज़ है ये, हाँ सब चीज़ रसीली रसीली लग रही है, मस्त एकदम मस्त मस्त, क्या बताऊँ, हर चीज़ टेस्टी। खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे जन्मों जन्मों की कुछ सूंघा ही नहीं, मतलब अच्छी आ रही है। जन्मों जन्मों का कुछ सूंघा ही नहीं विनय भाई ना। तो फ्रेंड्स देखते कौन अपना सूपी नूडल सबसे पहले ख़त्म करता है। विनय तैयार, 3, 2, 1। चॉपस्टिक, मुझे चॉपस्टिक से खाने में याद है नूडल, गरम गरम मस्त। बहुत गर्म है, काफ़ी हॉट है ये। और फ्रेंड खाने में क्या मज़े आ रहे हैं। और फ्रेंड ये मेन चीज हरी वेजिटेबल्स काफ़ी यूज़ करी गई है इसमें, तो ये सुबह से हमारे शरीर के लिए खूब फायदेमंद है। हरी वेजिटेबल्स खाना आप जानती हो, और सर्दियों में तो सूप के मज़े लेना, हाय हाय मज़े ही मज़े हैं।
नूडल्स हो गए सारे खत्म इसमें। अब फ्रेंड को सूप सूप पीना है बिना ही, बस तब से भूखा फूक लगे ज़्यादा ही गर्म हो गया। गरम ना होता तो मैं खत्म हो चुका था। बिना शुरू से एक ही लीटर लगाए हुए, गरम ना होता गरम ना होता का अभी तक गरम ही रखे नहीं क्या? हट गई कन पे गरम गरम मैंने अभी तो खत्म किया गरम गरम, ये नहीं दे रहे हैं क्या बगल में? मेरा रह गया क्योंकि शुरू शुरू में बहुत गर्म गर्म खा लिया था मैंने, पेट में एसिड सा बनना लगा, अगर ये ठंडे होते तो मैं झटके में पक्का। तो मैं बिना को शायद सर्दी नहीं लगी फ्रेंड्स, मुझे सर्दी लगी है, मुझे सूप की बहुत ज़रूरत थी तो मैंने सोच लिया था सूप का चैलेंज करना है। अब बिना इधर फूकते फूकते मैं रह गए, शुरू शुरू फुर फुर करते हैं मैंने अपने ख़त्म कर दिए पूरे। तो आप देख सकते हो पूरा बाउल यहाँ तक भरा था पूरा खाली पूरे मेरे पेट में, और मुझे एकदम पहले जुकाम सा हो रहा था लेकिन अब अच्छा सा लग रहा है, एकदम गरम गरम हो गया पूरा शरीर। तो फिर सर्दियों में आप भी पीजिए मज़े से ढेर सारा सूप, और बिना ही का मैं बजाऊँगा सूप सूप आप जानते कैसे कहते हैं, जिससे चावल वगैरह गेहूँ वगैरह से गिट्टी वगैरह कचरा वगैरह वो हिला हिला के दूर किया था गाँव में, उसे सूप बोलते हैं। और एक वो वाला सूप, एक जो वाला सूप बजाया जाता है, तो मैं बिनाई को बजाऊंगा। तो फ्रेंड चलिए अब बिनाई की बैंड बजाता अच्छी तरह से, और फ्रेंड्स आप मेरे साथ रहिए, हम सभी मिलके बिनाई की बैंड बजाएंगे। और फ्रेंड्स मैं लेके आया हूँ स्पेशल चीज़ बना के खिलाने वाला हूँ बिनाई को, खूब अच्छी स्पेशल होने वाली है। सबसे पहले फ्रेंड्स शिमला मिर्च पूरी खानी पड़ेगी बिनाई को, शिमला मिर्च को ऊपर से काटेंगे। बिनाई को मसाला चाय बना के दूंगा, वो भी शिमला मिर्च में, मसाला चाय मसाला टी। ये बन गया हमारा चाय का कप, इसमें लेंगे चाय टी गर्मा गर्म। और फ्रेंड्स थोड़ा साबुत मसालों का तड़का फ्रेंड्स, इसमें सरसों है, मेथी है फ्रेंड्स, मेथी के बीज है, और फ्रेंड्स कस्तूरी मेथी भी है, सौंफ भी है, और थोड़ा जीरा भी है, सबका मिक्सअप है। जाओ थोड़ी सी बूंद सोया सॉस की, थोड़ी सी Yeah.
थोड़ा सजाने के लिए बिनो आएगी स्पेशल टी शिमला मिर्च भी खानी है साथ में पूरी की पूरी खाऊंगे पीऊं पीओ ली थोड़ा मसाला डाल दूं अब पीओ खानी है कि पीनी है पहले पियो फिर खाओ ये खा के पियो पी के खाओ बिना ही धोना चाहिए एक साथ करना चाहता हूँ मुझे लग रहा है विनय का भजिया डंका विनय भाई ये कर कैसे लेते मेरी समझ नहीं आता आप भी देख के हैरान हो जाते हो कौन है कौन ऐसे कैसे कर लेते विनय भाई सच में फ्रेंड्स इसके जो मसाले थे ना इसमें जो डाले थे सच में फ्रेंड बहुत भयंकर मसाले थे वो मैंने डाले थे और फ्रेंड्स ऊपर से शिमला मिर्च पूरी कच्ची एक ही बार मुंह में डाली और याक तो फ्रेंड चलिए आप ये अच्छा बिल्कुल घर पर ट्राई ना करें बिल्कुल भी ना ट्राई करें बहुत ही अजीब सजा है और मैंने तो अच्छी तरह से बैंड बजाई थी तो फ्रेंड चलिए अब वीडियो को यही खत्म करता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड का और चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपके लाते हैं इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो तो फिर मिलेंगे अगली बार आज के लिए।